इसराइल हमास युद्ध को एक साल पूरा होते होते इस जंग का दायरा बढ़ गया है। इस युद्ध में इसराइल के खिलाफ ईरान और लेबनान का हिजबुल्ला भी कूद चुका है। इजरायली सेना ने लेबनान में एयर स्ट्राइक के साथ साथ जमीनी आक्रमण भी शुरू कर दिया है। 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले की बरसी तक भी हमास द्वारा बंधक बनाए हुए लोगों को छुड़ाने में नाकाम इजरायली पीएम नेतन्याहू ने हमास के खात्मे की कसम खाई थी, लेकिन गाजा में अभी भी आईडीएफ हमास से जंग लड़ रही है। और युद्ध के दूसरे मोर्चे पर इजरायली सेना हिजबुल्ला से जंग लड़ रही है। हिजबुल्ला चीफ के मारे जाने के बाद भी हिजबुल्ला पूरी ताकत से इसराइल का सामना कर रहा है। हिजबुल्ला के लड़ाके पहले की ही तरह उत्तरी इसराइल के कोने कोने को दहला रहे हैं। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला समूह में शह और मात का खेल जारी है। हिजबुल्ला लड़ाके लगातार इसराइल पर अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच हिजबुल्ला के साथ जमीनी लड़ाई में इसराइल को तगड़ा झटका लगा है। हिजबुल्ला के लड़ाकों ने इजरायली सेना को अपने गढ़ से खदेड़ना शुरू कर दिया है। न्यूज एजेंसी अल मयादीन के मुताबिक हिजबुल्ला ने इजरायली सेना को लेबनानी इलाके से बाहर जाने को मजबूर कर दिया। इजरायली सेना सीमावर्ती शहर यारून में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी। यारून शहर जहां इजरायली सेना लगभग एक साल से बमबारी कर रही है। ये पहली बार नहीं है कि हिजबुल्ला ने इजरायली सैनिकों की टुकड़ी को पीछे हटने पर मजबूर किया हो। इससे पहले बीते 6 अक्टूबर को जब इजरायली बलों ने खलेट शुएब में घुसपैठ करने की कोशिश की थी, उस दौरान लड़ाकों ने जवानों की टुकड़ी पर गोले दागे थे, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। बीते 5 अक्टूबर को अलजलील पनंदेल में हिजबुल्ला ने खुलासा किया था कि उसके लड़ाकों ने लेबनान फिलिस्तीनी सीमा के पास घात लगाकर बड़ा हमला किया था। इजरायली मीडिया आउटलेट्स ने भी भारी गोलीबारी और क्रियत शमोना के शहर के पास हमलावर हेलीकॉप्टरों की तैनाती की सूचना दी थी। इससे पहले बीते 4 अक्टूबर की रात को हिजबुल्ला लड़ाकों ने एक इजरायली जमीनी बल पर नजर रखी थी। ओडेसा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। इजरायली बलों पर घात लगाकर हमला किया गया और उसके बाद इलाके में सशस्त्र झड़पें शुरू हो गई थी, जहां पिछले कुछ दिनों से भीषण लड़ाई जारी है। ओडेसा में बीते 3 अक्टूबर को 98 डिवीजन के एगोज यूनिट और यहलोम यूनिट के कम से कम 9 इजरायली अधिकारी और सैनिक मारे गए थे। प्रतिरोध ने घुसपैठ करने वाले बलों पर मशीन गनों से गोलीबारी की थी, जिससे इजरायली सेना की हमलावर इकाई में बारूदी सुरंगों में ब्लास्ट हुआ था। इसमें लगभग 15 सैनिक मारे गए थे और काफी घायल भी हो गए थे। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने चेतावनी दी है कि हमारे पास मिडिल ईस्ट में किसी भी इलाके में हमला करने की ताकत है। हमारे जो दुश्मन अभी तक उसे समझ नहीं पाए हैं, वो जल्द ही समझ जाएंगे। हालांकि जिस तरह लेबनान में जमीनी हमले में हिजबुल्ला समूह इजरायली बलों पर भारी पड़ रहा है, उससे इजरायल का आला कमान भी सख्ते में आ गया है। दावा किया जा रहा है कि इजरायली बलों पर घात लगाकर हमला करने से लड़ाकों को कामयाबी हाथ लग रही है, जिससे इजरायली सेना को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में देखना काफी अहम रहेगा कि इसराइल का लेबनान में जमीनी ऑपरेशन कितना लंबा और किस हद तक सफल हो पाता है।